हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज शर्मा स्वागत करता हूं आपका सिविल हाउस डिजाइन में। इस वीडियो में बात करेंगे 20 फीट बाय 50 फीट के प्लॉट पर नॉर्थ फेस हाउस प्लान। अगर आपको किसी प्लॉट के साइज पे हाउस प्लान डिजाइन करवाना है तो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए इस प्लान को देखते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट में आते हैं। तो ये प्लान जो है नॉर्थ फेस है, तो इसकी एंट्री यहाँ से दी गई है वास्तु के अनुसार। यहाँ से एंटर करने पर आता है हमारा ये स्टेयर्स विद पार्किंग। जैसे कि देख सकते हैं ये कार पार्किंग के लिए स्पेस है। इसका जो ओवरऑल साइज है वो 9 फीट बाय 16 फीट दिया गया है। आगे हम यहाँ पार्किंग से राइट साइड में चलते हैं तो हमारा आता है ये बेडरूम। जैसे कि आप देख सकते हैं ये बेडरूम हो जाएगा, जिसका एंट्रेंस यहाँ से दिया गया। इसमें वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर एक विंडो आ जाएगा और इस बेडरूम में एक और डोर दिया गया यहाँ से। आगे हम इस पार्किंग से आगे बात करते हैं तो यहाँ पर सीढ़ी दिया गया। जैसे कि आप देख सकते हैं 3 फीट चौड़ाई का ये सीढ़ी दिया गया फर्स्ट फ्लोर में जाने के लिए। यहाँ से सामने हम एंटर करते हैं तो हमारा आता है ये लॉबी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये प्रॉपर साइज का लॉबी हो जाता है। इस लॉबी में देख सकते हैं यहाँ सोफा रखा जाएगा और यहाँ पर एक विंडो आ जाएगी वेंटिलेशन के लिए। आगे हम देखें इस लॉबी से राइट साइड में चलते हैं तो हमारा ये आ जाएगा कंबाइंड टॉयलेट बाथरूम। इस टॉयलेट बाथरूम में यहाँ पर एक विंडो आ जाएगा वेंटिलेशन के लिए। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर टॉयलेट सीट आ जाएगा। और इसी तरह से आगे चले तो यहाँ पर OTS आ जाएगा एक, ताकि इस बेडरूम और इस कंबाइंड टॉयलेट बाथरूम को वेंटिलेशन मिल जाए। तो यहाँ पर OTS का ये जो एरिया है इसका साइज देख सकते हैं आप, ये साइज हो जाएगा इसका। इस OTS को वॉशिंग एरिया के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से सामने चलते हैं तो हमारा आता है ये बेडरूम, सेकेंड बेडरूम जो कि मास्टर बेडरूम है। इस बेडरूम के लिए यहाँ पर एक विंडो आ जाएगा वेंटिलेशन के लिए। आप चाहें तो एक इधर भी विंडो दे सकते हैं। इस बेडरूम के साथ में अटैच कंबाइंड टॉयलेट बाथरूम दिया गया। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ से इसका एंट्रेंस है और इसमें वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर एक विंडो आ जाएगा। इस बेडरूम से पीछे ये OTS में जाने के लिए यहाँ पर एक डोर दिया गया है। इस OTS को गार्डनिंग के लिए यूज कर सकते हैं और सिटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं इस लॉबी से सामने चले तो हमारा ये एरिया डाइनिंग के लिए हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका साइज 8 फीट 2 इंच बाय 8 फीट हो जाता है, ये डाइनिंग के लिए एरिया हो जाएगा। और जस्ट इसके सामने यहाँ पर किचन दिया गया वास्तु के अनुसार। ये किचन हो जाएगा, इधर गैस चूल्हा आ जाएगा और यहाँ पर आप वॉश बेसिन दे सकते हैं। इसमें वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर एक विंडो आ जाएगा और साथ ही यहाँ इस किचन से पीछे OTS में एंट्री के लिए यहाँ पर एक डोर दिया गया है। तो इस तरह से वास्तु अनुसार 20 फीट बाय 50 फीट के प्लॉट पर नॉर्थ फेस हाउस प्लान हो जाता है 2BHK का। इस हाउस प्लान के बारे में अपनी राय को कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आपको भी किस साइज के प्लॉट पर हाउस प्लान डिजाइन करवाना है तो उसके लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।